मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इक्षावर में निजी स्कूल में एक टीचर ने क्रूरता की हदें पार कर दी। टीचर ने अपने छात्र की लात घूंसों से पिटाई कर दी और कक्षा नौवीं में पढ़ने वाले पीड़ित छात्र ने बताया है कि वो क्लास में बेंच को इधर से उधर खिसका रहा था, तभी टीचर अमन राठौर आए और लात घूंसों से मारने लग गए। छात्र के मुताबिक घटना में उसे पीठ में गंभीर चोट आई है। मारपीट के बाद छात्र ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद स्कूल पहुंचे छात्र के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग की है और अपने बेटे को घर ले आए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट और ज्यादती का मामला कोई नया नहीं है। मध्य प्रदेश के इक्षावर में सीहोर कोसमी स्टेट हाईवे पर मौजूद एक निजी स्कूल में एक शिक्षक ने कक्षा नौवीं के छात्र मीत शर्मा की क्लास में ही लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। छात्र मीत शर्मा का कहना है कि वो क्लास में बेंच में इधर से उधर खिसक रहा था, तभी शिक्षक अमन राठौर आए और लात घूंसों से पिटाई कर दी, जिससे छात्र के पीठ में दर्द होने लगा। मेरे यहाँ में चुपचाप बैठा था, मेरे पास थोड़ी सी मेरी बेंच जाके करनी थी, इतने वो सर आए और मेरे को मार के चले गए। मैंने तो कुछ करा भी नहीं था, बस उनने लात घूंसे ही मारे मेरे को, पीठ पे मारा बहुत तेज, उनने कभी दर्द हो गया। मामला ये कि स्कूल में अमन राठौर करके सर हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को बंद क्लास कर दिया। उसमें एक बच्चा नहीं था, बच्चे बाहर थे, उसको अकेले को पूरे रूप से बुरी तरह मुकते थे और लात से मारा उसको, जिससे उसकी पीठ पर बड़ा निशान हो गया है। तो जब मेरे पास फोन आया स्कूल से, तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो स्कूल में ना ही वो सर आए मेरे सामने, ना सर ने कोई मेरे से बात करी। बाद में मेरी मैनेजमेंट से बात हुई, मैनेजमेंट ने समझा कर उनको अभी कर दिया। स्कूल में छात्र की पिटाई का मामला जब तूल पकड़ा तो शिक्षक को स्कूल से हटा दिया गया, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। इक्षावर से धर्मेंद्र यादव के साथ टीम एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।